हेलो दोस्तों, तो इस वक्त हम चल रहे हैं मुमरा की सड़कों पर एंड आज हम जा रहे हैं अब्दुल रशीद सर के घर पे। हेलो दोस्तों, तो इस वक्त मैं हूँ प्रोफेसर अब्दुल रशीद के घर में। तो यहाँ पर हम लोग जो है अभी आज बनाने वाले हैं चिकन अपने हाथों से। तो 2 किलो पूरी मुर्गी हम लेके आए हैं एंड अभी जो है चिकन बनाने का जो है प्रोसेस वो चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग जो है काम वाम कर रहे हैं एंड चिकन को जो है बहुत अच्छी तरीके से धोया जा रहा है। सबसे पहला जो इसका इनिशियल स्टेज है एंड फिर वहाँ पर देखिए तेल भी गर्म किया जा रहा है। सो लगे पड़े हैं सारे महारथी लोग चल रहा है सब काम यहाँ पे। ये जो आज बना रहे हैं हम लोग, इसका नाम है चिकन क्रेजी 4 एंड अभी जो इसमें सेकंड स्टेप किया गया वो ये है कि इसके अंदर थोड़ा पहले इसको सिरके से भी थोड़ा मैरिनेट किया गया एंड इसमें आप जाके सिरका जो है स्मेल निकाल देता है, चिकन की जो है स्मेल निकाल देता है एंड फिर इसमें से हम लोगों ने जितना हो सकता है उतना पानी से वॉश किया ताकि इसमें जो भी थोड़ा सा भी हल्का फुल्का अगर ब्लड लगा हो तो वो बाहर निकल जाए। एंड अभी फाइनल इसके अंदर हम लोग ने जो है कर्ड डाला है और कर्ड मतलब यानी कि ये अपना दही 1.5 किलो दही इसमें एक मतलब 2 किलो चिकन है, 2 किलो चिकन इसमें 1.5 किलो दही डाल के इसको पूरा इस पर अच्छे से घुमाया है, मिक्स किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पूरा 1 किलो राई का तेल जो है वो गर्म कर रहे हैं। राई का तेल जो होता है बेसिकली मस्टर्ड ऑयल, खास करके कच्ची घानी वाला, बहुत ही पौष्टिक माना जाता है और गांव साइड पर खास करके नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ज़्यादा चलता है। एंड इसकी असली पहचान ये है कि ना ये जो झाग जब तक रहेगा ना तब तक तेल गर्म नहीं हुआ है। तो अभी तेल जो है गर्म हो रहा है, खौल रहा है और तब तक यहाँ पे ना बाकी का प्रोसेस चल रहा है। जैसे यहाँ पे थोड़ी प्याज व्याज काट ली गई है। अब्दुल रशीद सर, इसमें आपने क्या क्या मिलाया है मुझे बताइए तो सही। ये वाला प्रोसेस मेरे से मिस हो गया, मैं नीचे जरा गया था थोड़ा सा लेने के लिए थम्स अप। इसमें 2 पैकेट शेजवान चटनी है। अच्छा, जिंजर गार्लिक पेस्ट है। अच्छा, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। अच्छा, शेजवान चटनी भी वही जो मिलती है पैकेट में, वो वाली दही है। अच्छा, नमक है, मिर्ची है, हल्दी है। ओके, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है और हमारा प्योर मैरिनेटेड चिकन रेडी है। ओह ग्रेट ग्रेट। अच्छा, अस पर से इसको अभी और कितनी देर लगेगी बनने में? भूख बहुत लग रही है इसलिए पूछ रहे हैं। 5 मिनट्स बस। अच्छा देखिए, तेल में वो जो पीला पीला रंग था राई का चला गया है ना, एकदम वाइट जैसा हो गया है। अब तो मतलब काफ़ी साफ कलर हो गया इसका, एकदम है ना ट्रांसपेरेंट टाइप का। और इसकी जो स्मेल होती है राई की एकदम तगड़ी वाली, वो भी कम हो गई है। तो ये हॉल है अब्दुल रशीद सर के घर का। यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ी सी मतलब खिड़की है, बहुत मज़ा आता है मतलब यानी कि इसको यहाँ पे हवा काफ़ी अच्छी आती है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सामने बाथरूम है, यहाँ पर इनका ये बेडरूम है एंड यहाँ भी खिड़की है काफ़ी बड़ी सी, थोड़ा वाइड एंगल करके दिखा दे रहा हूँ। ये किचन है सामने जहाँ पे सारे मतलब ये मतलब समझ लीजिए कि फैक्ट्री तरीके से यहाँ पे अभी काम चल रहा है। एंड ये एक और बेडरूम है अंदर का, यहाँ भी बड़ी सी एकदम खिड़की है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट नीचे तक है। एंड बस यहीं पर चल रहा है हमारा काम, महारथी लोग काम कर रहे हैं हमारे। तो बस अब जो आगे होगा बाबू पूरा बताएंगे। यहाँ पे आई थिंक इन्होंने कॉर्नफ्लावर मिलाया हुआ है एंड वही जो चाइनीज़ वाले नहीं मिलाते हैं जिससे कि वो रेड रेड सॉस थोड़ा कलर मतलब आता है, रेड रेड जैसा कलर आता है एंड करारा होता है बाहर से चिकन। तो फाइनली पीस बाई पीस जो है हमारा चिकन तेल में जा रहा है एंड उबल रहा है। उबलना नहीं बोलेंगे तो फ्राई होना बोलेंगे, सॉरी उबलना गलत हो गया, उबलना बॉयल होना हो जाता है ना, तल रहे हैं, करेक्ट, तलना इज द राइट वर्ड। तो ये असफर सर के हाथ की करामात है, मेहनत रशीद सर और असफर सर दोनों ने की है, लेकिन जो है मतलब यानी कि रेसिपी असफर सर लेके आए हैं। तो देखते हैं कि कैसा टेस्ट है इस चीज़ का। ये रेसिपी सर आपकी है ना कि नहीं? ये रशीद सर अपने हैं, रशीद सर के अब्बू ने, अच्छा, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोगीस खान मुझे बताई थी। अच्छा अच्छा, ये मैं 10 साल से इसको बनाता था, हमेशा फेल हो जाता था। अच्छा, उन्होंने बताया। तो फिर सर फेल वाली रेसिपी आज भी खिला रहे हैं? नहीं, वो फैसला आप करेंगे। अच्छा अच्छा, तो एकदम सुर्ख लाल हो गया है पूरा, अच्छी तरीके से चिकन जो है सिक चुका है। तो रुको, अच्छा है बाकी यार? नहीं, वो थोड़ा बाहर से ज्यादा पक गया, तेज आंच पे है ना, थोड़ा धीमे आंच पे क्या अच्छे से पकता है। इसकी
खाना पीना मस्त चल रहा है, मैं तो भैया हार मान चुका। अब अभी भी हमारे जो शेर हैं तगड़े तगड़े तगड़े, हमारे दो शेर खा रहे हैं, डटे हुए हैं, बैटिंग चल रही है, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब मज़ा आया कि हाँ ये बात भी सही है। आज हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं हमारे चौथे दोस्त शमशेरब सर को, आज ज़रा कुछ काम में होने की वजह से वो आ नहीं पाए, बट एनीवे उनके हिस्से का अब क्या है, इन लोग दोनों को कवर करना पड़ रहा है। लेकिन मज़ा आ गया, बहुत ही टेस्टी बनाया था असफर सर, मज़ा आ गया। एंड थैंक यू मुगीस सर जिन्होंने असफर सर को ये डिश सिखाई। जो कॉफ़ी है वो मेरे कहने पर बनाई गई है बिल्कुल मेरे हिसाब से, और ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इतनी मुझे गारंटी है। एंड मेरे दोस्तों से इसका रिएक्शन आप ज़रूर सुनना। तो मैं तो कह रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाता हूँ मैं बेसिकली। चलिए उबल के आ रही है, बिल्कुल पूरा झाग बन चुके हैं, अब ये पीने लायक बन चुकी है। ये रशीद सर का है द बॉस, एंड ये क्या है, द रियल बॉस। अच्छा, रशीद सर की वाइफ रियल बॉस, ग्रेट। और ये हमारे दो लोगों के कप, कप तो बड़ा प्यारा खूबसूरत सा है यार। ईमानदारी से सर बताइए कि कॉफ़ी कैसी बनी, बताइए। आप तो पी चुके हैं ना सर कॉफी हल्की में। थैंक यू मुजाहिद सर फॉर योर रेसिपी, इट इज डिलीशियस।